नमस्कार। बुजुर्गों की वजह से घर का व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया है, सारे फैमिली मेंबर चिड़चिड़े हो गए हैं। घर का व्यवहार, घर का माहौल थोड़ा टेंस भरा हो गया है। आखिर बुजुर्ग आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो चिड़चिड़े क्यों हुए? माँ बाप हैं तो माँ बाप चिड़चिड़े क्यों हुए? क्या कारण है? बुजुर्गों से कैसे डील करें कि आपके घर का माहौल वापस अच्छा हो जाए, आपका घर का एक बिहेवियर वापस अच्छा हो जाए, सारे फैमिली मेंबर खुश रहें? आखिर उन बुजुर्गों से कैसे डील करें? ध्यान रखना, जैसे जैसे समय गुजरता जाता ना, इंसान की जैसे जैसे एज होती जाती ना, 60 साल 70 साल बाद इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको शारीरिक मेंटल परेशानी भी होती है, तो उस वजह से भी वो चिड़चिड़ा हो जाए। तो आखिर कैसे उनसे डील करें? सबसे पहले तो उनसे पूछे, उनका हेल्थ का ध्यान रखें। क्या वो अपनी हेल्थ की वजह से तो चिड़चिड़े नहीं हो रहे? क्या उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो आप उनके हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हो सकता है उनको ऐसी कोई बीमारी है जो आप इग्नोर कर रहे हो, आप उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले उनकी हेल्थ पर ध्यान दो। उनकी हेल्थ पर ध्यान दोगे ना तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। घर के बुजुर्गों को इम्पोर्टेंस महसूस कराएं। ध्यान रखना, वो भी कभी पूरा घर चलाते थे और आज आप घर चला रहे हो, आज आप छोटी छोटी बातों पर उनसे नहीं पूछ रहे हो, तो उनके मन में भी कहीं टीस लगती है, उनके मन में भी कहीं लगता है कि यार आज ये सब कुछ कर रहा है, आज मेरा बेटा ही सब कुछ कर रहा है, मुझे किसी भी मामले में पूछता नहीं है, मुझे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करने देता है। तो घर में आपके मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस महसूस कराएं। उनको भी हर काम को उनको नॉलेज दें, शेयर करें कि नहीं आप भी हो और आपका इंपॉर्टेंस इस घर में है। छोटे छोटे कामों में उनकी मदद लें। वैसे तो कहा जाता है कि जब माँ बाप की एज हो जाए तो उनको काम नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं कराना चाहिए, लेकिन आप छोटे मोटे घर के ही कोई छोटे मोटे काम करेंगे तो हिलते फिरते रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और वो अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे। छोटे मोटे घर के ही कोई काम कराओ, वो कर सकते हैं तो उनको करवाइए, जबरदस्ती मत करवाइए। उससे क्या है कि वो बिजी रहेंगे और अपना अकेलापन दूर करेंगे। बुजुर्गों को टाइम दें। सबसे पहले तो अधिकतर बुजुर्ग निराश और हताश क्यों होते हैं? क्योंकि घर का कोई सदस्य उनको टाइम नहीं देता है। थोड़ा बहुत तो आप उनके लिए टाइम निकालिए। शाम को आते हो 10-15 मिनट अपने मम्मी पापा के पास बैठिए, बुजुर्ग हो गए हैं उनके पास बैठिए, दिन भर की बातें शेयर करिए, उनसे कुछ भी आप शेयर करें, जब उनका मन भी हल्का होगा आपका मन भी हल्का होगा और उनके मन में आपके प्रति और अच्छी भावना आएगी और उनका जो भी चिड़चिड़ापन है, उनका एकदम वो डिफरेंट बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा। तो अपने मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको टाइम दीजिए। नाराज़गी का वजह पता करें। हो सकता है कि आपके माँ बाप की एज हो गई, थोड़े चिड़चिड़े हो गए, तो किस कारण से हुए? क्या वो आपसे नाराज़ हैं? अगर नाराज़ है तो किस वजह से, ये नाराज़गी पता करिए। क्योंकि आप उनके बेटे हो, वो आपके माँ बाप हैं, तो छोटी मोटी नाराज़गी चलती रहती है, लेकिन किस वजह से हैं उस नाराज़गी को दूर करें, तो आपका घर का माहौल अच्छा होगा और आप और आपके फैमिली मेंबर सभी खुश रहें। अपनी परेशानी अपने माँ बाप को शेयर करें। ध्यान रखना, आपके माँ बाप हो सकता है आपकी कोई मदद नहीं कर पाए आपकी परेशानी के लिए, लेकिन आपका मन हल्का होगा और साथ में आपके माँ बाप भी महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे, नहीं यार मेरा बेटा मुझे हर बात बता रहा है, मेरा बेटा मुझे हर बात शेयर कर रहा है, इसकी कोई परेशानी है तो भी मुझसे शेयर कर रहा है। तो छोटी मोटी आपकी कोई परेशानी हो तो अपने मम्मी पापा और घर के बुजुर्गों से शेयर करें, आपका भी मन हल्का होगा और वो भी अपने आप को अच्छा फील करेंगे कि नहीं यार ये मुझे हर बात बता रहा है। अपने साथ उनको फैमिली फंक्शन में ले जाए, अगर वो चल फिर सकते हैं तो। ध्यान रखना, आप कहीं भी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो तो उनको भी साथ ले जाना। उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाली है, वो भी हर फैमिली फंक्शन अटेंड करते थे, लेकिन अगर आप अब देखते हो कि ये बुजुर्ग हो गए हैं यार, हर जगह इनको साथ ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये सोचोगे ना तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं ना, उनके मन में एक अपमान की भावना आएगी, उनके मन में एक निराशा और हताशा की भावना आएगी और वो आपके प्रति चिड़चिड़े हो जाएंगे।
अगर वो चल फिर सकते हैं अच्छी तरह से, तो जो भी आपके कोई फैमिली फंक्शन है आप तो उनको साथ ले जाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत प्राउड फील होगा और उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और घर में चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा व्यवहार वो करेंगे। तो आप अपने घर में बुजुर्गों से इस तरीके से डील कर सकते हैं, वो चिड़चिड़ा रहना बंद कर देंगे और आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा और आपके सारे फैमिली मेंबर खुश रहेंगे।